हेलो फ्रेंड, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल योगिताज किचन में। आज हम बनाएंगे बेसन वाली पीली मिर्च, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम बनाते हैं बेसन वाली पीली मिर्च। बेसन वाली पीली मिर्च बनाने के लिए हमने 6 शिमला मिर्च ली है पीली वाली, 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है हमने। सबसे पहले हमने मिर्ची को धो के साफ कर लिया है और हम चाकू की सहायता से इसमें से बीच में से कट लगा लेंगे। इस तरह से सभी मिर्च में इस तरह से हम चाकू की सहायता से कट लगा लेंगे लंबा लंबा। हमने सभी मिर्च में कट लगा लिया इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले फ्लेम पे हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और उसमें 1/2 टेबल स्पून हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। फिर जो हमने 1 कटोरी बेसन लिया है उसे भी ऐड कर देंगे इसमें। अब हम बेसन को मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे कुछ देर के लिए लगातार चलाते हुए। ये देखिए, हमने बेसन को लगातार चलाते हुए सेक लिया है थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को मसाले को अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए हम लो मीडियम फ्लेम पे इसे बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। ये बेसन सीख चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बेसन को दूसरे बर्तन में निकाल। ये देखिए, बेसन को हमने इस बर्तन में निकाल लिया है। अब हमने जो मिर्ची काट के रखी थी उसमें हम मसाला भरेंगे बेसन का। अब हम मिर्ची में मसाला भर देंगे। इस तरह से भर देंगे चम्मच की सहायता से। अगर आप हाथ से भरना चाहें तो हाथ से भी भर सकते हैं। अच्छे से दबा दबा के भर देंगे। देखिए, हमने इस तरह से दबा दबा के सभी मसाला भर दिया है मिर्ची में। इस तरह से हम सभी मिर्ची में मसाला भर लेंगे। देखिए, हमने सभी मिर्च में मसाला भर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले फ्लेम पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1-1 करके मिर्ची रख देंगे इस तरह से। ये हमने सभी मिर्च तेल में डाल दी है। अब हम इसे मीडियम आंच पर ढककर के पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मिर्ची एक तरफ से सिक चुकी है। अब हम इसे पलट देंगे, सभी मिर्चियों को पलट लेंगे हम। और दूसरी तरफ से भी इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे ढक करके। और ढक देते हैं फिर से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, मिर्ची अच्छे से सिक गई है। पलट लेते हैं इनको और जो बेसन हमने सेका था मिर्ची में भरने के लिए वो थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। मिक्स कर देंगे अब इसको हम अच्छे से। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, शिमला मिर्च बन करके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं सर्विंग बाउल में। ये देखिए, हमारी बेसन वाली पीली शिमला मिर्च बनकर के तैयार है। अगर आपको मेरी बेसन वाली पीली शिमला मिर्च की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो उसे दूसरी बार क्लिक ना कीजिए, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।